खमागनी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मेरे पास इससे रिलेटेड काफ़ी कमेंट आते हैं कि लाइट वेट ज्वेलरी बताइए या लाइट वेट ईयरिंग डिज़ाइन बताइए। तो अभी जो ये साइड में आपको वीडियो शो हो रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक लाइट वेट ईयरिंग डिज़ाइन है जो तकरीबन जो है 5 से 5.5 ग्राम तक ये बना है। और इसकी जो अभी तकरीबन जो गोल्ड की प्राइस है वो 50 से ऊपर चल रही है। तो ये आपको जो है 30 हज़ार के आसपास ये पड़ेगा, क्योंकि 5.5 ग्राम तक है। तो ये 30 हज़ार, मतलब मैंने बनाया तो 29 हज़ार के आसपास ये लगा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टॉप है और चेन है। तो ये चेन जो है वो रिमूवेबल है, मतलब आप इसको हटा भी सकते हैं और उसको रख भी सकते हैं। तो ये मतलब डेली यूज़ के बेस पे बनवाए गए, कि डेली यूज़ में आप अगर इस तरह के इयरिंग पहनते हैं तो घर पर आप इन टॉप्स को पहने हुए रख सकते हैं और चेन को निकाल कर साइड में रख सकते हैं, और जब भी आपको कहीं बाहर जाना हो तो आप फिर इन चेन को वापस डाल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस के हिसाब से ये अभी जो भी गोल्ड का प्राइस होगा उस हिसाब से इसका लगेगा, और ग्राम के हिसाब से ये भी जो है आपको जो है 5 से 5.5 ग्राम तक ये बन सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इनकी जो ईयरिंग की चेन है वो मैंने थोड़ी शॉर्ट करवाई है, अगर आप चाहें तो लॉन्ग करवा सकते हैं, लेकिन फिर उसका यही होगा कि आपका जो ये ग्राम है वो बढ़ जाएंगे, और अगर ग्राम बढ़ेगा तो फिर आपको प्राइस भी थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो क्यों, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बनाकर ही बता देती हूँ कि मैंने जो ईयरिंग बनवाए वो कैसे दिख रहे हैं। और बाकी तो आपको इस वीडियो में जो अच्छे से शो हो ही रहे होंगे, मैं तो ये सिर्फ आपको साइड में बता रही हूँ कि ये कैसे दिख रहे हैं पहने हुए, पहनने के बाद ये कैसे लग रहे हैं। ये थोड़े शॉर्ट हैं लेकिन पूरे घर में डेली यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं ये पहनने के बाद कैसे लग रहे हैं। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे जब ये बनकर आए, पहले इतना नहीं पता था कि इतने अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैंने जो है इनकी चेन थोड़ी सी शॉर्ट करवाई है तो मुझे लगा कि आप तक कैसे लगेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ सिंगल चेन भी करवा सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा ये और कम प्राइस में पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों चेन करवा सकते हैं। जहाँ मैंने ये मोती डलवाए आप उसकी जगह यहाँ स्टोन डलवा सकते हैं चारों तरफ गोल्ड की फिटिंग करवा के। तो उससे क्या होगा, इनकी जो ये मोती है ना, इनके ये रहता है कि ये निकल सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक हल्का सा तार से ही इनको जोड़ा गया। तो ये तार जब घिस जाएगा तो 1 साल 1.5 साल के अंदर आपको फिर से ये मोती डलवाने पड़ेंगे। तो आप इनकी जगह जो है स्टोन भी डलवा सकते हैं। अगर आप ये सिंगल चेन करवा दें तो थोड़ी लेंथ लॉन्ग करवा के और स्टोन डलवा सकते हैं साइड में गोल्ड लगवा के। और डबल करवाते हैं तो भी आप डबल में भी चाहें तो स्टोन डलवा सकते हैं, या फिर इसी तरह के ये जो मोती है आप इस तरह के ये लगवा के रख सकते हैं। ईयरिंग के बीच के अंदर आप देख सकते हैं बीच में मैंने सेम ये रेड कलर जैसा यूज़ करा, और साइड साइड में जो है वाइट कलर के स्टोन डलवाए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। खमा करिए।